पहले ही कहा आज का दिन बिशनपुर टीम के लिए अच्छा, ये संकेत हो। और इसी बीच यहाँ क्या गोल होगा, खिलाड़ी मैच में क्या यह बराबरी करेगा, और लेकिन यहाँ पर क्या गोल होगा, जी नहीं, लेकिन अभी खतरा टाला नहीं है। और इस बार फिर से यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ पर, और ये शॉट और टॉप कॉर्नर में ये गोल। कमिटी से खो आदेश हुई के ना आपे आधा घंटा लगे नसिया जीरो तबुन पे दा कुनी लगे आरती नुरे गोल। जी हां, रिस्पेक्ट कर रहे सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, चूंकि अभी इसी बीच बॉल को बिशनपुर के टीम, अच्छा पास वहां पर रामचंद्र, लेकिन इसी बीच में गेंद एक बार फिर से बॉल उनसे छीनने के बाद बॉल को जीतने की कोशिश बिशनपुर के खिलाड़ी, लेकिन यहां पर गेंद छिटक करके आगे की ओर चली गई थी, लेकिन बिशनपुर के नायकी हमरम ने लंबा गेंद को खेल दिया है। जादू नगर बरेड की टीम अच्छा बचाव करते हुए हाफ लाइन से, और जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी दोबारा आक्रमण करने के लिए, अच्छा पास यहाँ पर सीधन के लिए, क्षमता रखते हैं ये खिलाड़ी, बड़े बड़े मंच पर अच्छे अच्छे टीमों के विरुद्ध ये खिलाड़ी गोल डालते हैं। सीधन जर्सी नंबर 9 में, और फिलहाल 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, अच्छा पास यहाँ पर जादू नगर पर ही 11 नंबर में जहाँ पर हिगन, और 12 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी जहाँ पर चांद हंसता खेलते हुए, फिलहाल यहाँ पर 11 नंबर हिगन सोरेन और चांद के बीच सही तरह से तालमेल नहीं बनी, और इस वजह से फिलहाल सिंहधन के पास। मैंने पहले ही कहा कि ये खिलाड़ी मुख्यमंत्री आमंत्रण कप में जहाँ पाकुड़ जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए टॉप स्कोरर में रहे थे, सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी, पूरे टूर्नामेंट में 9 गोल किए थे। और फिलहाल यहाँ पर सिंहधन के पास, अच्छा वहां पर बहुत गंदार, अच्छा पास वहां पर सही कम्बिनेशन नहीं बनी, लेकिन अभी भी खतरा टाला नहीं है, पूरी तरह से डेंजर एरिया में गेंद को लेकर पहुंच चुके हैं, अच्छा पास यहाँ पर, लेकिन खुद पर संतुलन नहीं रख पाए सिंहधन, और इस वजह से गेंद जादू नगर के एरिया से गेंद खतरा टल चुका है। जादू नगर के खिलाड़ी ब्रेड के जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी के पास बबलू मुर्मू, साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन जर्सी नंबर 4 के पास गेंद रगदा मरंडी, और जर्सी नंबर 7 में खेलते हुए सिंहधन हमरम बी, दो दो सिंहधन खेल रहे हैं जर्सी नंबर 9 में और जर्सी नंबर 7 पहने हुए बिशनपुर के ओर से। अच्छा अनुवा पोखरी पटाल रहे तीनों दो मिना पिया बाबा जना को से गड़ी को पे दहाव का उना दो साइड तो बुढ़ रहे पोखरी पटाल रहे तीनों दो बाबा जना खोड़ा को पे तिंगू बड़ाव का ना उना जगह को दापे दो साइड तो बुढ़ पे और गड़ी को पे जहां को गड़ी में ना पोखरी पटाल रहे उना दो साइड तो बुढ़ पे। चांद भैरव क्लब गोकुलपुर पाकुड़ कमेटी के जितने भी वॉलंटियर हैं, आप लोगों से गुजारिश होगा कृपया करके तालाब के किनारे का जो स्थान है उसको आप लोग खाली करवा दीजिए, और जितने भी लोग आप लोग तालाब के किनारे आप लोग वहां खड़े हैं उस जगह से आप लोग हट जाएं, क्योंकि वहां पर महिलाओं के लिए स्थान को सुनिश्चित किया गया है, और अब धीरे धीरे महिलाएं भी आने लगी हैं, जिनका भी बाइक भी लगी हुई है बाइक भी आप लोग हटा देंगे। स्टेज के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ महिलाओं के लिए जगह को रिजर्व कर दिया गया है। और वॉलंटियर थोड़ा बहुत ध्यान था बुना है ना आ सार तू इंद्रिया प्रतियोगिता से रहे हम ते खोए गोगे जोना को हजुआ उना को ध्यान था बुन पे और आधान को वॉलंटियर नोते हजु तो बुन पे नवा बनार नखा खाली चु हुआ सिदाजे नी तो बुझे पना आइमाड रहा रहा गोगे जोना को हजुआ गोगे तक को बिटी तक को हजुआ बना पे बनार नखा पुकड़ी पटाल नवान पश्चिम नखा और जजम नखा हो पूरब नखा हो आपे खाली चूता बुन पे।
जो सदस्य हैं कृपया करके आप लोग स्थान को सुनिए, यहाँ पर आप लोग खाली करवाएं, विशेषकर महिलाओं के लिए जो रिजर्व जगह है उन सभी जगहों पर जो भी पुरुष खड़े हैं उन सबों को आप लोग हटाइए, और जिनका जिनका बाइक भी है कृपया करके आप लोग हटा दीजिए उस क्षेत्र से, क्योंकि बहुत संख्या में महिलाएं आएंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए भी, बड़ी लड़कियों के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स का कार्यक्रम भी है। इसी बीच फर्स्ट टाइम में अच्छा पास वहां पर निकाला है जादू नगर बहेद की टीम, समानांतर पास बहुत ही सुंदर जादू नगर बरहेट की टीम धीरे धीरे खतरनाक एरिया में गेंद को लेकर जाते हुए बहुत ही सुंदर मौका यहां पर बिशनपुर के गोलकीपर बाहर निकल आ गए हैं, और इस तरह से सही जगह पर आकर के गोलकीपर ने गेंद को गैदर किया और इस तरह से खतरा टल गया है। बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ जो है आप लोग जितने भी पुरुष दर्शक हैं कृपया करके इस जगह को खाली करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि महिलाएं आना शुरू कर दी हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित जगह है, स्टेज के दाएं तरफ और बाएं तरफ यंजन भैया को स्टेज लिंगा नखर जो नखा बना नखा की वहां तो गोबर जुना को लगी जगह दो चिदा जो दिशे कना दिन कलम एकल तो बाको साहबो गांथा है ना गोबर जुना को ने तो अजू को यह ना बना नखा की स्टेज लिंगा नखा जो नखा दया खाली तब पे और तीन गोबर जुना को हाथे नाते पे तिंगू उड़ाव करना मैंने बैटरी क्या बैटरी खत्म नकी देखो बिशनपुर टीम अड़ी नपाय मेंखर को गाती के ना मना भी हुआ और जादू नगर बरहेट टीम हो नुकुआ गाती दिया प्ले स्टाइल को बुझे चुके उका था हुआ और उना अनुपात रही पहिल पे एहो ऑक्टेरा थोड़ा गन को दबाव चुका था मेंखान भाई भाई तेज मां किलो रिया उका ताजा उका नहीं तो खेल रिया फॉर्मेट के ना लगभग लगभग बना टीम ये 50-50 की बना रुका से कोई गरी किन बोला पहिल हाफ रहे एफसी जादू नगर बरहेट 0 एफसी बिशनपुर 0 बहुत ही सुंदर मैच चल रहा था। अब देखना होगा यहाँ से चैंपियन कौन सी टीम बनेगी इस वर्ष। छोटा सा वहां पर ताती खिलाड़ी के लिए आगे की ओर गेंद को शॉट करके बढ़ा दिया है। चांद भैरव क्लब गोकुलपुर के ऐतिहासिक मैदान पर ऐतिहासिक जमावड़ा, और जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में इतने सारे दर्शकों को हम लोग देख पा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि एक मधुर ध्वनि के साथ आप देख रहे हैं, लग रहे हैं प्रतियोगिता का कार्यक्रम पश्चिमी विशेषकर पूरी छोर पर, वो भी काफी धूमधड़ाका भव्य तरीके से हो रहा है।
और इसी बीच पहले ही विसिल बज गई है, मैच रेफरी एक्शन में है। वहां पर बॉल से कहीं ज्यादा गोलकीपर के ऊपर वहां पर शॉट लगाने का प्रयास और येलो कार्ड दिखाया गया है जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी को उनके गलत खेल गिनने। बबलू मुर्मू जर्सी नंबर 8 उनको येलो कार्ड दिखाया गया है गलत खेल गिनने। जिस तरह से वो विपक्षी गोलकीपर किस्टू किस्कू को चोटिल करने की कोशिश किया था और गोलकीपर वहां पर जी जान लगा दिए थे। और अभी खुशी रिया कथा कर रहा ये लबो नोडे बिशनपुर को गति काम और मिंग से खो नोडे जादू नगर बढ़े मैन खान खुशी रिया कथा दो नुमा कर रहा ओका दो आ सार तुइन रिया ओका प्रतियोगिता मी घड़ी लहार गई हुई है ओनारे कम से कम 30-25 की आसपास रहे प्रतिभागी को तहे कना और ओना को मूद खो दुमा आ सार तुइन प्रतियोगिता र दो ओका दो पहिल स्थान दो न्यामे कना लाल हेमरम पहिल प्राइज दो बाबा नितुन दो रायसेन हेमरम आतू दो बिशुनपुर और पहिल प्राइज दो आर्मी दाव आजम तुपन पे हाँ सर तुंज रिया पहिल प्राइज लाल हेमरम बाबा नितुन रायसेन हेमरम आतू दो बिशुनपुर सेकंड हो ओका निया बचार ओका हाँ सर तुंज रिया सेकंड प्राइज सेकंड प्राइज दे न्यामे कना शंभू मरंडी बाबा नितुम दो बुलई मरंडी नुई हो बिशनपुर खोई अदो आसा तुइन रिया बनार प्राइज दो फर्स्ट और सेकंड दो बिशनपुर आतु रेंगी बनार की न्यामे कना लाल हेमरम बिशनपुर पहिल प्राइज और सेकंड प्राइज दो शंभू मरंडी बिशनपुर। तो नोडे बिशनपुर टीम नेलबोन तहिना दिन अरे बिशनपुर टीम लगी अरे लकी डे के नाम से नेलबोन बिशनपुर टीम नोडे निये मौका रहे तो का नहीं तो फ्रीकिक रिया चांस को याम कर दब नेलबोन एफसी जादू नगर विरोध रहे सुनहरा चांस को जाम का एफसी बिशनपुर टीम नवा थ्री की मेता में 6 yard बॉक्स में बाहर खो अगर को गोल कर है तो बिशनपुर टीम मीटे पहिल हाफ रही डायरेक्शन मजबूर की दिया है नाना खारेन गोलकीपर मसी मुर्मू जहां लगा तो उल्टे होते बॉल दाल उड़ूक किया है हर बखा बेहतरीन शॉट बहे कहते हैं और हो जादू नगर पर है टीम अकुआ हाफ को जहल खाते खतरा टलाओ दूर देखना है यहां से तारपोस की दिशा में अच्छा पास वहां पर बढ़ा दिया है लगातार बिशनपुर की टीम दबा बनाते हुए मैंने पहले ही कहा आज का दिन बिशनपुर टीम के लिए अच्छा ये पहले ही ये संकेत हो और इसी बीच यहां क्या गोल होगा और जी हां जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था और वही खिलाड़ी यहां पर एक बार फिर से हीरो साबित होते हुए और शिवधान जर्सी नंबर 9 एफसी बिशनपुर के खिलाड़ी ने पहले हाफ के अंदर एक शानदार गोल दाग दिया है और इस तरह से एफसी जादू नगर की टीम 1-0 से यहां पिछड़ते हुए जर्सी नंबर 9 शिवधान किस्कू ने पहला गोल मार दिया और मैंने पहले ही कह दिया था कि ये खिलाड़ी निश्चित रूप से बड़ी नाम बड़ी दर्शन की उम्मीद करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आप रांची में जो खिलाड़ी जा करके पूरे झारखंड के अंदर में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर आए थे टॉप स्कोरर और वही खिलाड़ी यहां पर कमाल दिखाते हैं बिशनपुर टीम की तरफ से एक गोल का स्वाद चख चुके हैं बिशनपुर की टीम। और मैंने पहले ही कहा इससे पहले जो तीरंदाजी प्रतियोगिता जो हुआ तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है लाल हेमरम पिता रायसिंह हेमरम ग्राम बिशनपुर तीरंदाजी प्रतियोगिता का पहला स्थान वो मिल चुका है। द्वितीय स्थान पर शंभू मरंडी पिता बुलई मरंडी बिशनपुर यानी कि बिशनपुर तीरंदाजी दोनों ही प्राइज बिशनपुर की तरफ जाता हुआ तीरंदाजी में भी और इस सेकंड सेमीफाइनल में भी बिशनपुर की टीम 1-0 से आगे
चल रहे हैं एफसी जादू नगर परेड की टीम जल्ले। क्या आज बिशनपुर ही यहाँ पे गुंज सुनाई देगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इसी भी जब से नंबर 10 के लिए अच्छा पास बनाया है मोहन सोरेन गेंद के पीछे भागते हुए अच्छा क्रॉस किया है, लेकिन गोलकीपर किस्तू के ग्लव्स में गिर जाता है वापस। और इस तरह से कोई किसी तरीके का खतरा नहीं, बिशनपुर की टीम एक गोल की बढ़त बनाए हुए है और फाइनल में अपना स्थान को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी समय शेष है, कुछ कहना मुश्किल। लेकिन सिमल जोरी बंगाल की टीम ऑलरेडी फाइनल में स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, उनके खिलाफ खेलने के लिए कौन सी टीम इस वर्ष यहाँ उतरेंगे। लेकिन मुझे ये आज इस फाइनल दिन में आकर के एक चीज अच्छा लगा कि इस टूर्नामेंट में चाहे 3 लाख का प्रतियोगिता हो या फिर 50,000 का, दर्शक उतने ही संख्या में यहाँ जमा होते हैं। पता नहीं इस ग्राउंड में क्या जादू है, क्या यहाँ चमत्कार है कि यहाँ दर्शक आते ही है। काफी अलग अलग स्थान से, कोई बंगाल से आते हैं, कोई संथाल परगना के अलग अलग स्थानों से चलकर आते हैं सुदूरवर्ती इलाके से। ये हम सब की जीत है। चांद भैरव क्लब गोकुलपुर की ये सरजमी की ये जीत है कि यहाँ पर कार्यक्रम हमेशा ही लोगों को काफी पसंद आता है। मैं धन्यवाद देता हूँ चांद भैरव क्लब गोकुलपुर के कमेटी को और इस क्षेत्र के सभी हमारे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग हमेशा से ही दिया है, उन लोगों को भी हम लोग क्लब की ओर से धन्यवाद देते हैं। शुरुआती समय से ही मैं यहां से जुड़ा हुआ हूं बतौर एक कमेंडेटर या फिर एक क्लब के एक सदस्य की तरह, तो मैं हमेशा देखता हूं कि यहां के डिसिप्लिन बहुत ही कोटि का रहता है और आज भी वही चीज हम लोग एक फुटबॉल खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो विरासत है नाच गान से लेकर जो भी हमारे पारंपरिक जो भी कार्यक्रम है उनको अक्षुण रखने के लिए, उनको हम लोग याद रखने के लिए, एक नए पीढ़ी को उन सारी चीजों को उस विरासत को बरकरार रखने के लिए एक नए पहल करते हैं। खेल स्टार्ट होते लोग डायरेक्ट हिट नोड़े लिंगा कटा थे मैन खान यहाँ का कोई फायदा रे बंग बीच बीच रे नुकु पून कटा वाला नुकु मैडम को जज साहब को बोलो ना थोड़ा वॉलेंटियर को थोड़ा पे ध्यान आ ये भी जज नंबर 10 बिशनपुर टीम प्लाटेड शॉट सीधन होना क्षेत्र रे दौड़ दीदा बोले पड़ा अपना समा मैन खान स्पीड वाला खिलाड़ी के ना प्लेयर की धोखे दानियल में नौन मकान नीचे नौकान खिलाड़ी नसिया हम मौका माओया तो अब टीम लगी निश्चित रूप से खतरनाक है सीध धड़ी आप मीठे गुल लहाव का सीधन जादू नगर पर हेड ब्रूद रहे बॉल माँ को पे बेटा सेकंड हाफ रहा गापी नहीं तो जला के ना बिशनपुर टीम जर्सी नंबर 10 और का खिलाड़ी बिशनपुर टीम इनकी फॉर्मेटिंग नल केदा अड़ी नपाय नपाय खिलाड़ी ना को रामचंद्र मरांडी 16 नंबर रे वहाँ टीम का गाती के ना मुकेश हंसदा 8 नंबर रे रागदा मरांडी 4 नंबर रे रे ठाकुर मीठे बनाया 3 नंबर है ठाकुर की बनाया बनार की किसको बना के 15 नंबर है बिशनपुर नोडे कॉर्नर किक एफसी बिशनपुर टीम बेहतरीन नोडे मौका जरूर हुई दरिया करा चांस को बनावा से बांग मैन खान हैंड बोल रहा ऐसा रहा जो तुम्हें जुड़े है मैच रेफरी होते थे क्विक स्टार्ट उन्हें उस रहते बॉल स्टार्ट किया हमने थोड़ा ज्ञान उन्हें 11 नंबर हद से ज्यादा बॉल दो रहा समय बड़े लगाव किया उन्हें ऐसे उन्हें बोल रहा ऐसा रहा फसे उन्हें बीच रहे रॉन्ग टैकल लिए थे फसे उन्हें थोड़ा गन बना खिलाड़ी बीच रहे थोड़ा गन गलत खेल रहा इशारा हुई ना बेंच रेफरी सेखो यार बनार लुकिंग खिलाड़ी येलो कार्ड एम कहते हैं बना टीम वार्निंग है हम का
जादूनगर यहाँ पर फिर से समय ले लिया है। पास निकालने का ऑप्शन जरूर था, लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से रॉन्ग टैकल और रेफरी ने एक बार फिर से इशारा कर दिया है यहाँ फ्री किक के लिए। बिशनपुर टीम जैसे कि बढ़ाया गया बोन पंचायत स्तर या टीम का ना और मुख्यमंत्री आमंत्रण कप रहे फाइनल ट्रिको चलाल ना रांची खिलाड़ लगी और उन्हें टीम रहा लगभग उन्हें फॉर्मेट की उनको को खिलाड़ी को गाते कि ना भी बार खिलाड़ी थोड़े फ्री की क्रिया मौका कुछ नाम का एफसी जादूनगर टीम चर्ची नंबर 10 लता पे शॉट करा मैन खान शॉट जरूर पहे करा तेज हिट लगा ले गया मैन खान होना को आस पास रहे खिलाड़ी सही जगह रे पोजीशन रे बाकू ताहे के ना और उन्हें इसे कोई खतरा बांग बिशनपुर टीम लगी। अड़ी समय बना टीम थे कि शेष बिना मिया बीच किशनपुर अकुआ हाफ रहे कॉर्नर एरिया को बंचाव रिया कुरुमटू रहे ना कुआ में खान जादूनगर टीम लगे फायदा हुई ना प्लस पॉइंट तुम्हारे जो थ्रोइंग दिया चांस को जाम किया कॉर्नर एज को कटी में छात्र हुई जादूनगर पर हिट मैन खान होना मौका और हो गमाव तुल ये बात ओका स्पोर्ट्स एवंस को मिना स्पोर्ट्स एवंस सुका को मिना गोगोई जुना को लगी जब तो कोई जस्ती फेमस सुका दो जब तो बन बढ़ाया उका दो जब तो गोगोई जुना को जीवन पूरी को जब तो कोई जस्ती को खुशी या और होना दो कना कांडा दिपिल घाड़ा रेस या प्रतियोगिता निया दाह दो हो कना ना हो साँव साँव पे जीवन कुड़ा को हो तैयार पे तो है ना कोई तो एथलेटिक्स रहे रुचि पे तो है कम 1600 मीटर रेस सही तरीके से अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास बनाया है लेकिन बॉल चली जाएगी टाइट लाइन से बाहर। बहुत ही अच्छा खेल चलता है और इस मैच में मैं चाहूंगा लगातार तीन दिनों से कमेंट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उभरते हुए बहुत ही चर्चित बड़े ही अच्छे कमेंटेटर के रूप में जीठा जी को मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस मैच का आपको देखा हाल को वो सुनाए जो कि लगातार तीन दिन से काफी बेहतर तरीके से एक एक मैच का यहाँ विवरण देने का काम किया है। आइए जीठा जी और बहुत बहुत धन्यवाद सर सर जी और रेडी जहाँ तक नोड़ा है उतार नोड़ा है बीबार कथा में लेकिन वो सेकंड हाफ रहा मैच रहा तो सर सर नौ बैटरों रहे नोड़ा है अगर प्रेस कर मैंने कहा नोड़े हमारे सराहन वाले की थे और बड़ा ग्रह लिए गिन बना उतार नोड़ा चांद भारू क्लब नोड़ा गुगुलपुर रियानवा ऐतिहासिक मैदान रहे ओकानवा तीन दिवसीय अनवा फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता जहाँ तक आयोजन कर और अनवा फुटबॉल टूर्नामेंट साथ साथ ओकानवा लगड़े हैं रिया नुड़े प्रतियोगिता हो नुड़े आयोजन करना और तिंगी नुड़े अड़ी सगी सिंह का नुड़े दर्शक नुड़े
है सेटर गन वा आडे टुला खोन आडे सगी खोन ओडे सेटर गन सनम ऑडियंस को नुआ आर नुआ सनम खिलाड़ी को आर से वा नाचोनिया मंदड़िया को जतो को की नुआ ले चांद भैरव क्लब नुआ गोकुलपुर होते से खोन आडे आई मामा आतन दरंग बिना रा आडे आई मामा सरह सिदांत नुआ तिही नुआ टूर्नामेंट रे तीसार दिन गन नुआ तीसार दिन रे उडे भारी संख्या रे मेनखन आर सिदांत वा बाबार दिन लहा खोन गे नुआ कथा रोड हजुगो कना मेनखन तुका 19 तारीख 19 तारीख ओका नुआ मार्च 19 तारीख तो का फाइनल दिन रे आडी आई मालिका ना जिनिस ते नुआ ग्राउंड रे बुंड रसका आडी आई मालिका जिनिस ते नुआ ग्राउंड रे ओका आनंद बुन उठेवा आ रा सरी की मेनखन तीना दिन रे नुंका ना नुडे तीन बुन जल जाम दा जहा दो दुआ दुआ ग्राउंड रे ओका सेमी फाइनल साथ साथ ओका टूर्नामेंट रिया साथ साथ है बेंका नुडे बीचन स्पोर्ट रिया कार्यक्रम हो ये बात खान की आर साथ साथ ने ग्राउंड बगल रहो जहां होते लगड़े ने चला करना बेन खान तीन दिन रे नुडे मार से नुडे तीन बी थम रे आर पसे नुडे बीचन खेल नुवा बीच रे नुडे थोड़ा गहर चोटिल पड़ाव कर दिया नुवा बीच रे आर दाड़िया व्यवस्था नुडे कमिटी रे आरा उड़े मेनकान बार बार अड़ी कोशिश अड़ी मेहनत गोलकीपर गन उड़े किस्टू आर बीचन उड़े अड़ी रीस साला तो नौ बॉल बीचन बचला रिया कुरुमुट रहता है कनम सेकेंड हाफ रे मैच रे लेकिन बनार टीम जहां तक बुन जले गन उड़े जहां तो एफसी जादू नगर उड़े फूट रूम रे जर्सी रे आर भूकानवा हरियाणा मिसाल हंडे रोग रहा जर्सी रूपन जेले उका लुकु तो एमसी दिसंपुर रन खिले लिखे ना को आर बना रेडी मजबूत टीम गना की नडी तगड़ा मुकाबला नहीं थी सैन गना आर नहीं थी सेकंड हाफ रहा मैच है जहां तक हम जेल खा नुड़े 1-0 रिया मुकाबला आर नुड़े एमसी दिसंपुर टीम दो नुड़े बी 10 गोल ते नुड़े को लहा उका ना आर पहिल हाफ रे नुड़े बी 10 को गोल का अनवा सेकंड हाफ रे मैच रे नुड़े चेल लिखा ना मौका नुड़े एफसी जादू नगर टीम बेन खान नुकु ऊपर रेडी तगड़ा उंडे मुकाबला हुई कंद को गया आर बेन खान वा बी 10 गोल रिटर्निंग रे क्षमता रे बना को बेन खान लगातार प्रयास रे बना को आर रेडी बेहतरीन नुड़े को नी थबी उना येते का नुकु हम बी 10 वा मैच बराबरी रे चक्कर रे नुड़े जादू नगर टीम आर उड़ा येते बेन खान अडे फुर्ती सलाह कर बी 10 अलग रन नती बी 10 को वा टीम लगी आर नुड़े से एफसी दिसनपुर टीम बी 10 को टीम लगी बी 10 मजबूत को पकड़ का नी थबी आर रानी थबी तो नुकु बीचन नवा हाफ टाइम जहां तक ना नुडा डी बरकरार दोहो काते बीचन मजबूत सलाव गाती आ आर रेडी शानदार मुकाबला नी थबी बड़ा टीम की आर दिया बीच रे बी 10 लॉगिंग पास उड़े ठाकुर लगी जैसे नंबर 3 आर होला ना दिन रे का दिस हजु कना मेनखन अटी बेहतरीन दुई खिलाड़ी गोल लिदा आर दुई खिलाड़िया गोल मीटन उका नेशनल लेवल बराबरी गोल ता है कना होला ना दिन रे मेनखन अटी तगड़ा मेनखन गोलकीपर रे चकमा गते शानदार गोल मेनखन ये ग्राउंड रे जोता पर टॉप गोल वाला खिलाड़ी मेनखन ये बीच रे नोडे खै बॉल मिड फील्डर रन खिलाड़ी कना नोडे रामचंद्र वा पास दुआ बीच रे हेडर मध्यम ते नोडे खै जादू नगर टीम दो जादू नगर चिंदी 10 फाउल को किक की दागे से नंबर 5 होता है कना बड़े चार्लेस मैन खान या बीच रहे नोडे को बॉल नो अटैच लाइन पर बढ़े चला आर लिया बीच रहे नोडे को बी 10 प्रिंट रे बोका को जाबा नोडे को नोडे को प्रिंट रे बोका एफसी बिशनपुर टीम आर बिशनपुर टीम नोडे को बीच रहे अडी लंबा थ्रीन किदा नोडे जस्ट नंबर 5 भागना पाताल मैन खान या बीच रहे नोडे को जादू नगर टीम एंगोया पास बड़े जर्सी नंबर 12 लगी टू बॉल है कि नोड़े चांद कनाई चांद दोनों डायर सिंह का टीम आया मेन खान जर्सी नंबर 14 बॉल का नंबर है भी तुलोई बी 10 आयरन सहयोग लेकिन लहा से गति लाया मेन खान ये बीच रहे जर्सी नंबर 10 से पहले का होना जगह महान मेन खान दी थे भी नवा बीच रहे जर्सी नंबर 12 चांद अड़ी बैटरी लीट है अच्छी एरिया रे क्रॉस खदा है बेनकान या बीच रहे गोलकीपर लगी जहां लेकर ना कोई परेशानी बंग हुई ना नोड़े किस्तू लगी और यहां पर किस्तू ने अपने सुरक्षित ग्लव्स में लेते हैं और बहुत ही लंबे शॉट
गणेश मुर्मू बूढ़ी डूब हमारा पड़ा रहे ना कितना बजे बजे तक रहे खेला गणेश मुर्मू बूढ़ी हेमरोम था हेमरोम गणेश हेमरोम है आरबी टेस्ट सूचना बुढ़ी डुबर रन गणेश सेमरोग जी आम दया करते आम आपे अकड़ा टेम चलावा बुढ़ी डुबर रन गणेश सेमरोग जहां आपे लगड़े ने अखा पे गु कदा आर ओंडे खन मपा डगना पसे दुगु सिंदराय मे आपे न सुंगे दया करते आम मुडे आपे अकड़ा टे चला ले गेम क्रूम पे गणेश सेमरोग जी डी अभी छरे मैच नुडे फोन अड़ी बेहतरीन बीटे थ्रिल तह कर मेन गन थोड़ा गन आर नोडे फोय तनम खन थोड़ा अलग तरीके त उनका ना धत मुकी रिया प्रयास सोडे जादू नगर टीम दो नोडे रे अपोनेंट टीम बरुद रे ये बीच रे बीच एन मैच रे फ्री गंगरन सर या बीच एन अड़ी सही डिसीजन हम तोई ये बीच रे नोडे कौन बीच एन फॉल किक रे मौका को जमा एफसी डिसन पर टीम अपारिया कौन आर हाथ जोड़न खिलाड़ी बीच एन अड़ी मजबूत अड़ी लंबाई सोल हया नाइक हेमरम तो मेन खान बॉल सीधे नवा टच लाइन खन बार हे चलावना आर इंडिया दाव बी टेन फ्री लेकिन नतो खन चार्लस अड़ी मजे फ्री लेदा मेन खान या दूसरा डी बैटरी सिद्धन बोले परम दड़े कना से बा आर मीटा सिद्धन ने नाम कदा सिद्धन हेमरम अच्छा मीटा ने पास आयो दूसरा गोल जादू नगर टीम जैसे नंबर तीन हो रोका खिलाड़ी जगह मनोज कनक मनोज गायन सहयोग लगी और यहाँ पर जर्सी नंबर चार अपने हाफ जोन के खिलाड़ी खेल ले जर्सी नंबर पांच खेल ले और अच्छी मिडफील्डर में अच्छी पास लेकिन जर्सी नंबर दस तक गेंद पहुंच कर महन खेल महन ने इसे यहाँ हाफ जोन के खिलाड़ी जर्सी नंबर दो ने अच्छी लॉगिंग पास दिया था यकीन नहीं कोई खेल ले थोड़ा सा भी सुतावा मैंने ध्यान दिया बीच रहे अच्छी क्रॉस और हम इधर आर लिया बीच रहे उन्होंने कोई बीच रहे बीचन हेड बॉल रे कोल हजु तुलु आर नोडे कोन बीचन डायरेक्ट रे मौका और ये बहुत ही अच्छी खबर है एक खुशनुमा खबर इसी बीच में मैच में बराबरी पर आने चल ले और जादू नगर की टीम को डायरेक्ट यहां मैच के दरमियान पेनल्टी मिल गया है डायरेक्ट ये पेनाल्टी मिल गया है और ये बहुत ही सबसे बड़ा इस मुकाबले का एक रोमांचक क्षण यहां से अगर गोल डालते हैं तो जादू नगर की टीम मैच में बराबरी कर लेंगे एक एक गोलों के साथ बीते रात को आपको याद होगा हीरो इंडियन सुपर लीग 22-23 सीजन का जो आज बीते रात जो फाइनल हुआ उसमें एटीके मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी के बीच एक रोमांचक एक फीफा वर्ल्ड कप की जैसे जो फाइनल हुआ और जहां पर एटीके मोहन बगान इस बार चैंपियन बन गए और पिछले रात को अगर आपको याद होगा तीन में खेल के दरमियान तीन पेनाल्टी मिला था बेंगलुरु को भी मिला था और एटीके मोहन बगान को भी अब क्या ये पांच नंबर जैसी पहने हुए खिलाड़ी मैच में क्या यह बराबरी करेगा और लेकिन यहाँ पर क्या गोल होगा जी नहीं लेकिन अभी खतरा टाला नहीं है और इस बार फिर से यहाँ क्या होगा क्या यहाँ पर बॉक्स के अंदर लगातार गलती और इस बार भी रेफरी ने वहां पर इशारा कर दिया है और इस तरह से लगातार ये एक और मौका है डायरेक्ट पेनाल्टी और जैसा कि आपको पता है पेनाल्टी बॉक्स के अंदर हैंडबॉल करने का मतलब डायरेक्ट पेनाल्टी मिलेगी और उनागी अर्हो मी घड़ी लहारमा पांच नंबर कोड़ा में धक्का उचले सकुआ मैं खान अर्हो नहीं था मौका कुछ हम का क्या रोमांचकारी मैच चला तुम
नेल को अब निया धाव दो गारा नंबर को चिता खते को कुल काय केटा मा बेटा निया धाव आम रुवड़ बुन तबुन में इना नो पांच नंबर अडी मरेंगे मिस्टेक दा नेल बुन जादू नगर रन नु खिलाड़ी जादू चला कंदे अस बांग और नाते ने खिलाड़ी हो अडी मौज गया गोलकीपर जादू नगर रन 11 नंबर हिंगई सोरेन क्या अपने टीम को बराबरी पर लाग पर पाएंगे या नहीं और ये शॉट और टॉप कॉर्नर में ये गोल और इस तरह से सेकंड सेमीफाइनल खेल अभी भी जीवित है मैच अभी भी ऑन है और दोनों टीम एक एक गोल के साथ बराबरी पर दूसरे हाफ में बहुत ही घमासान मैच चलता अभी भी एक बड़ा ही सवाल पैदा कर दिया कि आखिर यहां से फाइनल में कौन सी टीम जाएगी और कमिटी रन तीना दो सदस्य बिना प्याज जजज ग्रुप रन बैठे नीत दो माहना अखड़ा से चला तुम पे आधा घंटा लगी नीत दो एन एच रिंग बॉन खुता बुन पे ताकि मी घड़ी को जीरो आधा घंटा लगी ब्रेक चला जे इनान को एन एच लंगा चबाओ को ना दो ना थे नीत दो चला तुम पे बैठे आधा घंटा लगी नसिया ब्रेक हुआ दा को न्यू लगी चिदा जे सिता को एने के ना अदो मनवा कान गया को जहाना मशीन दो बांग और स्वाभाविक बात कान गया बुन लंगा गया अदो ना थे कमिटी निर्णय कदा नित दो तीन दो पे अंजाम दिया है कान खाए अखड़ा को दो नित दो मी घड़ी आधा घंटा लगे इत नसिया एने श्रीन बोन तो बुन पे और नोडे चांद भैरव क्लब गोकुलपुर कमिटी रन सदस्य को चला के ना उनको को मिताओ पे आदो मी घड़ी दो आपे एनएच श्रीन बंद पे और जैसे कि नोडे को आर हले आदेश पे या इसके बाद दो आर हो एनएच श्रीन आर पे जारी पे दो या और इन दरमियान रे नोडे स्पोर्ट्स रिया कार्यक्रम इथोबुआ नुआ में जैसे कि चबा इस मैच के खत्म होने के बाद रंगारंग जो भी स्पोर्ट्स कार्यक्रम है उन सभी स्पोर्ट्स कार्यक्रम को कराया जाएगा और स्पोर्ट्स कार्यक्रम में जो एवंस इस तरह से है घाड़ा रेस महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक स्पोर्ट्स एवं 1600 मीटर रेस जो नौजवानों के लिए होगा 400 मीटर रेस सीनियर गर्ल्स यानी कि बड़ी लड़कियों के लिए और 100 मीटर रेस बालक वर्ग यानी कि छोटे बच्चों के लिए और छोटी बच्चियों के लिए 100 मीटर रेस इन सभी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम को कराया जाएगा अभी इस मैच के खत्म होने के बाद अगर बह बहते माँ तीनों अखड़ा रन आधा घंटा लगी माँ दो नीत दो आप दो जीरो लन तो बुन पे एन एच रिंग बन पे डा न्यू को सेनसिया जीरब लगी और जैसे कि आदेश पे नामा इसके बाद दो आर हो आप एन एच रिंग दो जारी दो है तो बुन पे तो यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक खेल मजा आ गया कि दोनों टीम एक एक गोल के साथ मुकाबला में एक बार फिर से ट्विस्ट पैदा कर दिया है रोमांच पैदा कर दिया कि आखिर यहाँ से कौन सी टीम फाइनल में जाएगा इसी बीच सिंधन के पास स्पीड स्टार बॉल को वहां पर गेप ढूंढने की कोशिश अभी भी नियंत्रण में गया बहुत ही सुंदर छोटे से जगह पर दो तीन खिलाड़ी को चकमा दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर रॉन्ग टैकल और वहां पर इस बीच में सिक्स यार्ड बॉक्स के बाहर से ही फ्री किक लेने का एक सुनहरा चांस मिलता हुआ इस बार जादू नगर टीम के विरुद्ध बिशनपुर की टीम अब इस मौका का कि हद तक वो सही तरीके से नसीहत दे पाते हैं फायदा उठा पाएंगे नहीं एक बहुत ही तकरीबन एक डेंजर प्लेस में ये मौका मिला है इस मैच का कवरेज आप लोग एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं और अभी मात्र 100 सब्सक्राइबर बाकी रह गया है अगर 100 सब्सक्राइबर अगर पूरा हो जाएगा तो एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में 43,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा इतने कम समय में मैं बधाई देता हूं एसपी फुटबॉल ब्लॉगर के सभी टेक्निकल ग्रुप के मेंबर्स को आप एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को आप मोबाइल में सर्च करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें खेल से संबंधित आपको बहुत सारे कवरेज आपको देखने को मिलेगा
हाईलाइट मैच का आप देख सकते हैं। तो 100 सब्सक्राइबर बाकी बिना बका एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल रहे 45,000 सब्सक्राइबर को पूरा बाप गाड़ी कम समय रहे आधा होना है आप या यूट्यूब मोबाइल रहे यूट्यूब रहे चला पे और एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल रहे आप होना सब्सक्राइब करते आप नवा कार्यक्रम से आइमाल खाना लटू लटू टूर्नामेंट रिया का मैच रिया हाईलाइट कवरेज नेल लगी एसपी फुटबॉल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो बन पे लागड़े नहीं बला नीत दो नसिया जीरो तो बन पे आधा घंटा लगी दाजू लगी आधा घंटा लगी आपे कमिटी से को आपे दो ब्रेक पे ले माओ पे कना आपे मी घड़ी जीरो तो बन पे आधा घंटा गन दाजू बड़ा लगी नेहर वा कमिटी रन तीन दो सदस्य जज पैनल रन तीन दो मिनट पिया सदस्य को धीर जो संख्या रह चलाओ करते हैं प्रत्येक ग्रुप आपे लय टू कुपे पसे उन्हें धबी ट्रांजिस्टर या आवाज बंद चला कन आपे चलाओ करते हैं उनको मिता टू कुपे ताकि आधा घंटा गान नोडे थोड़ा गान निदो एने श्रिंदो निदो रुका उतारो आप और इसके बाद जैसे कि अगला आदेश हुआ इसके बाद एने श्री लगड़े ने रिया उका कार्यक्रम ना हपड़ा दो जारी था ना तो यहाँ पर दोनों टीम ऐसा करते हैं ना सर उसका वाइफ को से हम जल सुबह हम आज के प्रोग्राम में चल रहा है पंचायत के अंदर में प्रोग्राम भी चल रहा है तो उसी में थोड़ा सा व्यस्त था सर कल सुबह आपको हम संपर्क कराएंगे ओके बहुत ही सुंदर खेल चलता है बिशनपुर एक जादूनगर परहेट एक देरी से आए हुए दर्शकों को बता दें सेकंड सेमीफाइनल का रोमांचक मैच को हम लोग देख रहे हैं सेकंड सेमीफाइनल मैच का सेकंड हाफ का घमासान खेल अब कुछ ही समय बाकी है कुछ ही मिनट इस दूसरे हाफ में जो बाकी बची हुई समय में दोनों टीम का कोई निर्णायक गोल होता है या नहीं अन्यथा एक एक गोल के साथ दोनों टीम अगर ड्रो में खत्म होता है तो मैच टाई ब्रेकर पेनाल्टी शूटआउट में मुकाबला चला जाएगा और देखना है कि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम इस साल फाइनल में जगह को सुनिश्चित करते हैं अच्छा स्टेज को लिंगाना खाती ना बाबा जो नाम ना पे मैंने चोगो पे स्टेज को लिंगाना खाती ना बाबा जो नाम ना पे चोगो पे और जो हम रखा हो प्रत्येक वर्ष या नोडे पे बना रखा रिजर्व के नोडे पे बाबा जो रखो तक लगी स्टेज को पाए रखा जो हम रखा बना रखा को चोगो पे बाबा जो लागड़े में ग्रुप पे है काम माँ दो आधा घंटा लगी आपे नवा कमिटी से खोए आपे जीरो ले माँ पे करना आपे आने सुरिंदर निक बनसिया बंदे तो बंदे दा कुछ यूं लगी अलग कमिटी से खोए लग निर्णय का आधा घंटा गन ब्रेक का है ना और इसके बाद वो आपे आपका आने सुरिंद उका लगने आने रिया उका हपड़ा उकना ना दो जारी की है ना और उड़ा ब्रेक ओक्टर दो उका जा बचार लगा ये उका स्पोर्ट्स बिना आईमाडी स्पोर्ट्स रंगारंग उका दो बिना अड़ी नियल जंग साथ उना स्पोर्ट्स रहे जहां क्योंकि इच्छुक बिना प्यास से आखड़ा कोई पेंसटर का नापे को हो उना रे भाग प्याता बढ़िया तो नुमा मैच रिया अंतिम रिजल्ट ची हुआ ची नुमा मैच ट्राइबर कर रहे चला या फिर नोने कोई जहां का टीम मुझे डॉक्टर है डिसीजन गोल किंग गोल दरिया करना सब मी बार अखरा को तो और नी थपे ने कन गया आपे कोठे निया के नहर कमिटी से खोय आदेश हुई के ना आपे आधा घंटा लगे नसिया जीरो तबुन पे दा कुनी लगी आरती नोने गोल जी हां
एक बार फिर से यहाँ पर मैच में ट्विस्ट पैदा होता हुआ, रोमांच एक बार फिर से बदल चुका है खेल की कहानी। और इस तरह से एफसी जादू नगर की टीम मैच में पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में दो गोल कर चुके और अभी अभी जर्सी नंबर 10 ने इस टीम के लिए एक और गोल, और इस तरह से 2-1 का यहाँ पर इस मुकाबले का रिजल्ट। और इस तरह से एफसी जादू नगर की टीम फाइनल मैच के करीब एक और कदम को मजबूत करते हुए उन्होंने जर्सी नंबर 10 का मोहन सोरेन हड़ी बज मौका इनाम किया और डिफेंडर छका परम करते गोल कीपर हड़ी मैंने ठोक के दिया। और उन्होंने एफसी जादू नगर नुकुबुन नेले को सादा रंग रे यह वृद्ध को गोल चुकान था बैन खान नोडे मिठे बाजीगर लिखा नोडे आपका जादुई खेल उदुतुल अनुवा मैच रे 2-1 से नीतो को लहा करा अनुवाल काते फाइनल सेटरो लगे मिठे उम्मीद को बढ़ा चुके होगा। घमासान मैच बैन खान मजा है ना नुवा मैच रे नियल कपे जतो कुछ बड़ा चुप नाम नियम मैच जैसे की चबा स्पोर्ट्स रिया कार्यक्रम नोडा दहो करना और स्पोर्ट्स रिया कार्यक्रम रे जतो कु की भाग ताता बड़े आ विशेष कर जुवन कुड़ी को लगी उका दो 400 मीटर रेस बिना उनार दा जहां कु की भाग बुनता बड़े आ साथ साथ है घाड़ा रेस धारा रेस कांडा बिपिल प्रतियोगिता उका हुई हमार शहर कोल पंचायत रन मुख्य साहब विकास जी बंदाज है जहां की फर्स्ट प्राइज है चुनावा फर्स्ट प्राइज उनामा कमिटी से को प्राइज में याम गी आज से को स्पेशल का फर्स्ट प्राइज बला उन्हें बस चनी मलाई माया कांडा बिपिल रिया पहिल प्राइज अकोटा एन्यामा उनादो कमिटी से कोई प्राइज अलग गया और मुख्य साहब से कोई अलग और हो प्राइज बिना होना दो मीटर चनी मला अब हम नीत दो नडंगल दो बोलवे पे दोगो को संख्या बढ़ाते ना नवा नखा परमो तुम पे और नवा नखा रन बाबा जो ना ए एलियस चार पांच लड़का सबको लेके जाइए उधर से बाहर कर दीजिए जिनका बाइक है बाइक सबको हटवा दीजिए। कांडा बिपुल रिया प्रतियोगिता बिना जीवन कुड़ी कुआ बेहतरीन क्रॉस होना जगह रे कोई खिलाड़ी सही जगह रे बकू कंबाइन कर था और बखाज नोडे आर्मी टेक गोल दरिया किया। जादू नगर टीम आखिरकार आकुआ जादू चलाऊ करा शुरू रे गोल को जोम का था बैन खान लगातार मीठे का डायरेक्ट पेनाल्टी को जाम लेदा उनारे मैच को बराबरी केदा और इन बाद मीठे मौका जर्सी नंबर 10 से जाम केदा मोहन और एकले गोल तरके से नुडे 2-1 को लहाओ कर अड़ी कुसुरिया कहता के ना जतो अखड़ा वाला अपेले सरहापिया नचोनिया मंदड़िया को और पहिल दान वा चांद भैरव क्लब गोकुलपुर रे मीठे रिकॉर्ड बना तुलो अले बाले उम्मीद का थे निनेड़ अखड़ा हजू आमेन थे थोड़े 25 टीगन अखड़ा है चुके उकना और पहिल धाव नुकाना कार्यक्रम धाव कना लिया बीच में जी गोलों से बांग नोड़ा है मैच बराबरी हुई दरिया के ना थोड़ा गान उन्हें खिलाड़ी कड़ा बयार लेकर हमते नते बना से रेन खिलाड़ी जीजान को लगाओ का था बैन खान बांगुल लेता तुना दो गोगा जना को पे सेटर के नान वहाँ पुकरी पटाल रहे